साथियों नमस्कार साथियों हम दो दिनों से देख रहे हैं कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है देख के बड़ा दुख होता है ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है अरे हमारे दस पंद्रह तो आत्महत्या कर गए उनसे तो सरकार मानी नहीं सरकार के बार में आके बारह एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के उससे तो सरकार मानी नहीं क्या फसल जोतने से मान जाएगी जो टिकैत साहब ने कहा है उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें चढ़ा देंगे उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो आप कब कहा था उन्होंने कौन से मैसेज में कहा कि ने फसलें जोतना शुरू कर दो इतने भाव में मत आया करो मेरी बेनती है मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे हम लड़ेंगे हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए हम बैठे हैं लड़ने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये काम मत करिए फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास और इसके अलावा है क्या बचेंगे कैसे जिंदे कैसे रहेंगे साथियों मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं ये कहना उनका नहीं था अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं औरों को भी बताएं किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक लड़ेंगे बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए लेकिन फसलें मत जोतिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों नमस्कार साथियों हम दो दिनों से देख रहे हैं कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है देख के बड़ा दुख होता है ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है अरे हमारे दस पंद्रह तो आत्महत्या कर गए उनसे तो सरकार मानी नहीं सरकार के बार में आके बारह एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के उससे तो सरकार मानी नहीं क्या फसल जोतने से मान जाएगी जो टिकैत साहब ने कहा है उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें चढ़ा देंगे उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो आप कब कहा था उन्होंने कौन से मैसेज में कहा ने फसलें जोतना शुरू कर दो इतने भाव में मत आया करो मेरी बेनती है मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे हम लड़ेंगे हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए हम बैठे हैं लड़ने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये काम मत करिए फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास और इसके अलावा है क्या बचेंगे कैसे जिंदे कैसे रहेंगे साथियों मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं ये कहना उनका नहीं था अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं औरों को भी बताएं किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक लड़ेंगे बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है सब इस लड़ाई में शामिल ज़रूर रहिए लेकिन फसलें मत जोतिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद